नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आशीष सरमाल। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। लगातार आप देखिए, बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहेंगे, जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को यहां पर बड़ी सौगात देंगे। जबकि बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। बिहार में मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, इस तरह से बड़ा बयान जारी किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से, और 8500 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। और बताते चले कि लगातार ये सौगातें बिहार की जनता को यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि 8500 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को हरी झंडी दिखाने का ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीएम नीतीश कुमार भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और 5 साल में तीसरी बार बल्लोपुर गाँव का दौरा करेंगे। जमुई में जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भी देश के अंदर कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे और अलग अलग जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। लेकिन इसके साथ ही देखिए, जिस तरह से जमुई को बड़ी सौगात देने की बात हो रही है, सबसे पहले आपको कार्यक्रम दिखा देते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होने वाले हैं। देखिए, पिछले 3 दिनों में ये तीसरा दौरा अहम दौरा माना जा रहा है बिहार के अंदर। इससे पहले दरभंगा के अंदर भी आपने देखा किस तरह से दौरा किया गया था। बिरसा मुंडा की जयंती पर ये कार्यक्रम रखा गया है, तो अलग अलग जगहों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जमुई से ही बल्लोपुर गाँव का फिर से दौरा किया जाएगा, वहाँ पर आम जनता के साथ संबोधन है और बड़ी सौगातें भी दी जाएगी। 5 साल में तीसरी बार गांव में आएंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 6 महीने पहले अप्रैल में भी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे और बड़ी सौगातें यहाँ पर दी गई थी। 2019 में अप्रैल में भी बल्लोपुर मोदी आए थे और उसके साथ साथ आपने देखा था कि जनता को लुभाने के लिए किस तरह के बड़े दावे वादे किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर खास तैयारियां यहां पर कर ली गई है। लेकिन उससे पहले जहां आपने देखा कि तेजस्वी यादव किस तरह से प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे थे, दुल्हन की तरह इस पूरे इलाके को सजा दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। लेकिन जमुई के अंदर जब पहुंचेंगे, वहां पर जब अपना संबोधन होगा, देखिए जमुई में 6640 करोड़ रुपए की किस तरह से सौगात दी जाएगी। सुबह 11 बजे का ये समय रखा गया है, तो महज 11 बजे का समय हो गया है। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद एक बड़ा संबोधन होने वाला है, क्योंकि 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, आए प्रधानमंत्री तो आगे भी क्या दिल्ली, लेकिन हम लोग तो लगातार जो है इस सवाल को उठाते रहे हैं कि भाई बिहार में सबसे ज्यादा आपको जो है मत दिया, आपको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई, तो बिहार के साथ कौटिला व्यवहार ना करें। बिहार के साथ जो बिहार की पुरानी मांग रही है हम लोगों की, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की, विशेष पैकेज की, तो वो कम से कम वो काम तो होना ही चाहिए। और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी बोलना चाहिए कि भाई देश भर में जो है जाति अदालत जातिगत जनगणना जो है जल्द से जल्द कराए। अब तक सेंसस नहीं हो पाया, तो कास्ट सेंसस दूर की बात है, तो सेंसस में ही एक कॉलम जोड़ना है कास्ट जाति का, वो कम से कम जल्द से जल्द वो कराना। आरोप लगाया है कि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर झारखंड को केवल लूटने का काम किया। काम प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र जाते थे, अमित शाह महाराष्ट्र जाते थे, चक्की की सीएमपी से आज बगल में बैठ करके हंस रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री का भी यही हाल था, भ्रष्टाचारी थे, स्टेट बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। कितना उदाहरण हम लोग के साथ ही यहाँ पर मुलाकात आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से होगी। लेकिन सीधा वार तेजस्वी यादव की तरफ से भी किया गया है। रोहित तमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, कौन कौन सी बड़ी सौगातें रहेंगी, किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम रखा है, पहले तो वो समझाइए। अमित, आवाज पहुंची? हाँ बिल्कुल अमित, आपसे कुछ ही पलों का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नजर आएंगे, बिरसा मुंडा की जयंती है, गौरव दिवस का आयोजन है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन क्या कुछ कह रही?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जमुई दौरा है और ये जमुई में प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा होगा और बिहार में दो तीन दिनों के अंतराल में जो है प्रधानमंत्री दूसरी बार बिहार आ रहे हैं और सभा को संबोधित करेंगे, तो काफी निर्णायक और आशा भरी नजरों से बिहार वासी पूरे देश की जनता देखते देखिए देश में कई जगह जो है चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है, इसको लेकर बड़ी तैयारियां चल रही है, तो सबकी निगाह हालांकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड में भी कई कार्यक्रम जो है हुआ है, तो इसको लेकर आज सबकी निगाह प्रधानमंत्री का भाषण तो होगी। फिलहाल जमुई में आज देश के प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर उपस्थित होंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। खासतौर पर जो अमित 6640 करोड़ रुपए की सौगातें जमुई के अंदर दी जाएंगी, लेकिन उसमें कौन कौन से विभागों पर फोकस किया जाएगा जरा वो साझा कीजिएगा। बिल्कुल, जो खास बात यह होगी कि दो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्राम संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा, उसके साथ ही दो जनजातीय अनुसंधान संस्थान का जो है उद्घाटन किया जाएगा, तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। सारे जो है 11,000 आवास गृह प्रवेश कार्यक्रम का भी आयोजन होना है, करीब 300 वंधन विकास केंद्र योजना का उद्घाटन हुआ, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी आज नींव रखेंगे। करीब 450 करोड़ लागत से एकलव्य मॉडल विद्यालय का 10 मॉडल विद्यालय का जो है नींव रखा जाना है, तो बड़ी योजना है जिसको प्रधानमंत्री आज आरजेडी नेता पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भैया बिहार ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, सीटें भी अच्छी खासी एनडीए को बिहार से मिली और जेडीयू का सपोर्ट तो नो डाउट है ही, जिसके बिना सरकार बनना संभव नहीं था। और तेजस्वी कह रहे कि भैया बिहार पर विशेष कृपा नहीं हो रही है, विशेष राज्य का दर्जा भी लगातार अटका हुआ है और जितना तेजी के साथ विकास होना चाहिए था बिहार का पिछले कुछ समय के दौरान या नजर नहीं चाहिए थी वैसे नजर नहीं आ रही, यानी गाहे बगाहे सियासी तीर छेड़ दिया तेजस्वी ने। बिल्कुल देखिए, बिहार का विशेष राज्य के मांग का दर्जा बराबर उठता रहा है, हालांकि जब नीतीश कुमार विपक्ष में थे तो उस समय भी महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार चला रहे थे, तो उस समय विशेष राज्य का मांग उठी थी, लेकिन अब जब सरकार में नीतीश कुमार शामिल है तो अब ये बात सामने आ रही है क्योंकि नीति आयोग की तरफ से ऐसा जो नियम है उस नियम के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, इस चीज को जो है जेएनयू ने साफ तौर पर शब्दों के माध्यम से रखा है पूर्व में भी। तो अब देखिए जब इस बात को रखा जाता है तो विपक्ष की ओर से लगातार कई ऐसे विषय रखे जाते हैं, विशेष राज्य का मुद्दा उठाया जाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था को बात रखी जाती है, विधि व्यवस्था उठाया विषय को रखा जाता है, लेकिन नीतीश कुमार आज कार्यक्रम में मौजूद रहते हुए काफी जो चिराग पासवान है उन्होंने आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री का कि प्रधानमंत्री जो है झारखंड वासियों के लिए विशेष ट्रेन इसलिए रखते हैं जिसका आज जीता जाता उदाहरण। बल्लोपुर गाँव चर्चा का विषय बना हुआ है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री आज वहां पर पहुंचेंगे, 2019 में भी पहली बार चुनावी रैली हुई थी और उस दौरान इसके बाद अप्रैल 2024 में भी और आज भी बल्लोपुर गांव के अंदर चर्चा का विषय बन गया कि आखिर क्यों बल्लोपुर गांव के अंदर ही ज्यादा फोकस किया गया है। बिल्कुल इसी तरह प्रधानमंत्री का ये जमुई का अब तक तीसरा यात्रा है, तो काफी अहमियत रखता है प्रधानमंत्री का आज जो ये जमुई यात्रा है, इसमें कई योजनाएं का शिलान्यास होना है, साथ ही नरेंद्र मोदी के माध्यम से विपक्ष पर भी खासा निशाना साधा जाएगा, जिस तरह से पूर्व में देखा गया कि प्रधानमंत्री जब कार्यक्रम में जाते हैं तो विपक्ष तो आड़े हाथों लेते हैं, तो आज ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है चल रहा है, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री के भाषण पे सभी की निगाह बनी। चलिए शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ सीधे राजधानी पटना से जुड़ने के लिए और बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। इसी कड़ी में न्यूज रूम में आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ और अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर सियासी निशाना साधा, बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता पर पलटवार किया है, गणेश कोडियाल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ये कहना है अजेंद्र का। बड़ी खबर केदारनाथ सीट पर भी 20 तारीख को उपचुनाव होना है। फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहाँ पर आप पलट पार भी इसका करते हुए बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजय ने गणेश गोदियाल की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गणेश गोदियाल लगातार चुनाव कर रहे हैं
उसको लेकर कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष पद से वंचित कर दिया है और उससे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है और इस तरह के बयान देकर वो कांग्रेस में अपनी छवि बनाना चाहते हैं। वो बताएं कि केदारनाथ से कौन सी शिला गायब हुई है और जिस तरह से वो हाथ में जल लेकर कह रहे हैं कि हास्यास्पद कृत्य उन्होंने किया है। सभी लोग उनका मजाक यहाँ पर उड़ा रहे हैं, लेकिन फिलहाल केदारनाथ विधानसभा सीट को लेकर आप देखिए किस तरह से अब पूरी कश्मकश की स्थिति तो कह सकते हैं, लेकिन सियासी घमासान इस सीट पर मच गया है। बताते चले कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा पर भी उपचुनाव होगा और ये सीट भाजपा विधायक शैला रावत के निधन के बाद खाली हो गई थी। और महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह से चुनाव हो रहा है वहाँ पर अलग से मुद्दे गिनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कवायद पेश किए हुए है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए भाजपा के टिकट पर ही 2022 में चुनाव जीत कर वो आई थी, लेकिन अब जिस तरह से उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। नामांकन दाखिल करने के लिए 29 अक्टूबर का समय रखा गया था, लेकिन फिलहाल इस बार का समीकरण क्या कुछ रहेगा क्योंकि केदारनाथ में यहाँ पर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और जाहिर तौर पर अटकलें ये लगाई जाती है कि जब किसी भी सीट पर उपचुनाव होता है तो उसका सीधा सीधा फायदा केंद्र सरकार को होता है, लेकिन क्या केदारनाथ सीट पर ये सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा या फिर कांग्रेस जिस तरह से इस मुद्दे को गिनाने के लिए लगी हुई है उससे होगा। चलिए सुनिए क्या कुछ कहा अजेंद्र अजय। आरोपों का जवाब देने से पहले कुछ उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मैं गणेश गोदियाल जी का काफ़ी सम्मान करता हूँ और उन्हें काफ़ी गंभीर और विवेकशील राजनीति से समझता था, लेकिन पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे आप भी कि वो उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, दुष्प्रचार, झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना, इस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे खिस्यानी दिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति उनकी दिख रही है, तो उसके पीछे मुझे जो लगता है कि शायद ये कारण होगा कि वो लगातार विधानसभा के चुनाव हारते रहे हैं, लोकसभा के चुनाव भी वो हारे हैं, कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी पदच्युत किया, तो मुझे लगता है कि वो इन सब कारणों से कुछ मानसिक रूप से परेशान है और वो झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा करके दुष्प्रचार अभियान चला करके जो कांग्रेस नेतृत्व है उसके सामने अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार के घटनाक्रम भी कर रहे हैं। कल जो उन्होंने संगम पे हाथ में जल लेकर के जो हास्यास्पद एक नाटक किया उससे आप जानते ही हैं कि लोगों की भी बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है, लोग भी बड़ा उसको हंसी और मजाक के रूप में ले रहे हैं। तो इस प्रकार का उनका जो क्रियाकलाप है वो उससे लगता है कि वो अपनी जो छटपटाहट है उनके अंदर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और गणेश गोदियाल जी के जो आरोप हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि गणेश गोदियाल जी आप ये बताइए कि केदारनाथ से कौन सी शिला दिल्ली ले जाई गई, आप स्पष्ट करिए। आप बताते क्यों नहीं, आप कहते कि शिला ले गए केदारनाथ से, आप बताइए कौन सी शिला लेकर गए, कौन सी विशेष ऐसी शिला थी कि जिसको लेकर के वहाँ से उठा करके लेकर गए कोई गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर दबाव बना करके उसके माध्यम से शिला वहाँ पहुँचाया। भाई कौन सी शिला है मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप इसका जवाब दीजिए, आपको चुनौती है, नहीं तो आपको इस प्रकार के झूठे आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। आप केदारनाथ धाम की गरिमा को, उसकी महत्ता को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी धार्मिक महत्ता को कम करने का आप एक प्रयास कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि आज केदारनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हमारी चार धाम यात्रा है बहुत कुशलतापूर्वक संचालित हुई है और बड़ी संख्या में चार धाम यात्रा में श्रद्धालु तीर्थयात्री जुट रहे हैं, नित्य नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। खास करके केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री के रूप में अब तक कुछ 6 बार केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं, पुनर्स्थापना के कार्य हो रहे हैं।
तो ये सब जो कार्य वहाँ पर हो रही है, जो कुछ गतिविधियाँ वहाँ पर हो रही है, वो कांग्रेस के लोगों को पच नहीं पा रही है। इस कारण से वो केदारनाथ धाम को विवादित करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है वो हिंदू विरोधी उनका चरित्र रहा है। हमेशा से उन्होंने हिंदुओं के मान बिंदु, हिंदुओं की संस्कृति, हिंदुओं की परंपरा को ठेस पहुँचाने का, आघात पहुँचाने का उन्होंने दुष्प्रयास किया है। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति चलाने वाले लोग आज हिंदुओं के हितैषी बन रहे हैं, चुनाव के समय में इस प्रकार के उलझुल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन ये जो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप है, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के दुष्प्रचार अभियान का एक हिस्सा है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलो तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा से ऐसे ही किया है। कांग्रेस ने, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लगाओ, आरोप लगाओ और भाग जाओ। तो इसी प्रकार से उन्होंने आरोप लगाए। आप आंकड़े उठाकर देखिए इस वर्ष केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए, गत वर्ष केदारनाथ धाम की जो यात्रा थी 25 अप्रैल को प्रारंभ हो चुकी थी और इस वर्ष 10 मई को यात्रा प्रारंभ हुई। तो मतलब कि पिछले वर्ष के मुकाबले 15 दिन तो यही कम हो गए और इस बार से यात्रा जो काल था, यात्रा अवधि थी, वो काफ़ी कम थी पिछले वर्ष से। लेकिन आप आंकड़े उठा करके देखिए और औसतन जो प्रतिदिन जो केदारनाथ धाम में जो यात्री पहुंचे हैं उस पर, वो गत वर्षों के मुकाबले उनकी संख्या फिर भी अधिक है। आंकड़ा के हिसाब से औसत हम लगाए, अनुपात तो अधिक है। लेकिन कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार चलाना चाहते हैं क्योंकि केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव उनको दिख रहा है, तो इस कारण से वो दुष्प्रचार चला कर रहे हैं। लेकिन जनता, केदार घाटी की जनता, केदारनाथ क्षेत्र की जनता समझदार है, राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है। वो समझती है कि इस प्रकार के जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कांग्रेस का केवल एक स्टंट है, लोगों को भ्रमित करने का दुष्प्रयास है। वो चुनाव प्रचंड है यहाँ पर करना है क्योंकि लगातार उत्तराखंड के अंदर चुनाव का जो सीट है वहाँ पर उपचुनाव होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा की तर्ज पर जिस तरह से उन्होंने इतिहास को दोहराने की कोशिश की है, उसी तरह से केदारनाथ सीट पर भी दोहराने की कोशिश होगी। और जो गुब्बारा है कांग्रेस का झूठ का, वो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हवा हो जाएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ना बोझ चाहे जो चाहे रहे, विराट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी, अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछता हूँ। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद न्यूज रूम लाइव में। आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। वहां पर नहीं होती या भारतीय हमारे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी की जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके प्रति जो लगातार व्यवधान पैदा किए जाते हैं सरकार, पाकिस्तान सरकार के द्वारा, इस सब कठिनाई वहां पर झेलने को नहीं मिलती। एक और गुरु नानक देव जी के द्वारा जिन्होंने बाबर के हमलों को भी जमकर के विरोध किया, वही समाज को मिल करके एकजुट होकर के ईश्वर की आराधना के प्रति नाम जपने के लिए उन्होंने निरंतर प्रेरित भी किया। सन्मार्ग पर ले चलने की गुरु नानक देव जी की प्रेरणा का परिणाम है कि आगे चल करके फिर यही परंपरा आगे बढ़ी और फिर वह भक्ति से आगे बढ़ करके भक्ति के तेज पुंज के रूप में गुरु शेख बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों के त्याग और बलिदान के उस महान गाथा के साथ हम सब हर भारतवासी पूरी कृतज्ञता के भाव के साथ जुड़ा हुआ।
हमें याद रखना होगा जब आज से 5 वर्ष पूर्व हम लोगों ने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को किया था, तो मुख्यमंत्री आवास इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि कीर्तन महाकीर्तन यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास से भी हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ। और 10-4 बार से हम इस बात को देखते हैं कि लगातार 2020 से लेकर के 21-22-23 हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति को तीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को पूरे देश के अंदर वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की घोषणा की है। और इससे उन साहबजादों के साथ साथ आज की युवा पीढ़ी को भी देश और धर्म के लिए नई प्रेरणा प्राप्त हो रही है। इन महान परंपराओं का जो योगदान है देश और समाज के लिए, कृतज्ञ समाज को और कृतज्ञ राष्ट्र को कभी भी उसको विस्मृत नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। और सजग समाज, अपनी विरासत से प्रेरणा प्राप्त करने वाला समाज कभी भी स्वावलंबी नहीं हो सकता, गुलाम नहीं हो सकता। अपने आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करने वाला समाज अपने स्वयं की गुलामी को आमंत्रित करता है। और यह हम सबको हमेशा याद रखना होगा। मैं आज जब गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर हम सब एकत्र हुए हैं, आप सभी को प्रदेशवासियों को मैं इसकी बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि गुरु नानक देव जी के उन उच्चादर्शों से हम प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश के लिए धर्म के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए तो आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व है। देश भर में तमाम गुरुद्वारों को जगमगाती रोशनी के साथ सजाया गया है। जगह जगह भव्य आयोजन हो रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। रुक कर रहे कुछ और अन्य खबरों की तरफ, जहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहाँ पर संजय राउत ने जीत का दावा कर दिया है। बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र से 23 नवंबर के बाद कोई महायुति यहाँ पर नहीं होगी। हम महाराष्ट्र में सरकार बना रहे हैं, संजय राउत का ये बड़ा बयान जारी हुआ है। और 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन उसके पहले लगातार सरगर्मियां तेज हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार का पूरी तरह से सिलसिला जारी हुआ है। लेकिन इस बीच में संजय राउत का ये बयान काफी अहम, और आप देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी बात को सामने रखा। उन्होंने कहा चुनावों के बाद रिजल्ट जो आएगा, महायुति यहाँ पर कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगी। और उससे पहले यहाँ एक और बयान जारी किया गया था, जिसमें संजय राउत की तरफ से ये कहा गया कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल जो है वो प्रधानमंत्री को नहीं दिया है, जिसकी वजह से आप देखिए वो नाराज हो गए। इस तरह से संजय राउत अपनी बात को रखते सामने नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां जिस तरह से तेज है, 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप पूरी तरह से जारी कर चुके हैं, और उसके साथ ही विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से काम करने की कोशिश की गई, आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा 370 को गिनाने की कोशिश, महाविकास आघाड़ी पर जिस तरह से आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो दावे और वादे किए गए थे अभी तक वो पूरे नहीं हो पाए हैं, और पूछना चाहते हैं कि आखिर उन दावों को पूरा क्यों नहीं किया गया, उन वादों पर खरा उतरने की कोशिश क्यों नहीं की गई। क्योंकि 23 नवंबर के बाद कोई महायुति नहीं होगी, यहाँ पर संजय राउत की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए जिस तरह से हमने अपना रिमोट कंट्रोल नहीं दिया है, ये कहने की बहुत बड़ी बात है कि आखिर कौन से वाले रिमोट कंट्रोल को लेकर संजय राउत बात कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे हकीम देशमुख ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। हकीम, लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है, इस तरह से बयानबाजी, किस तरह से इस बयानबाजी को देख रहे हैं? एक तरफ तो दावा, ठीक है
यहाँ चुनाव होते हैं उससे पहले आप दावा कर सकते हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल की भी वो बात कर रहे हैं कि हमने नहीं दिया है अपना रिमोट कंट्रोल, जिसकी वजह से पीएम नाराज हो गए हैं। संजय राउत के बयान किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, संजय राउत लगातार ये बयान दे रहे हैं, जब से शिवसेना की अगर बात करें, दो गुट हुए हैं शिवसेना में, तब से संजय राउत कहीं न कहीं गुस्से में आकर के कई बातें इससे पहले भी कह चुके हैं। अब उन्होंने कहा है, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया कि शिवसेना और यूपीपी ने जो है अपना रिमोट कांग्रेस के हाथों में दे दिया है, तब इस पर कटाक्ष करते हुए संजय राउत ने ये कहा है कि हमने अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं दिया है, हम अगर आपके हाथ में रिमोट दे देते तो आपको अच्छा लगता था, आप इसीलिए नाराज है क्योंकि हमने अपना रिमोट जो है वो आपके हाथ में नहीं दिया। तो देखिए, चुनाव के दौरान इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड परिस्थितियों की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी और महायुति में जो है वो कांटे की टक्कर है, और इसी को लेकर के जो है ये आरोप प्रत्यारोप लगातार जो है वो होते रहते हैं। जिस तरीके से संजय राउत की बात करते हैं तो रिमोट कंट्रोल की बात हो रही है, एकनाथ शिंदे को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि एकनाथ शिंदे आने वाले समय में सीएम नहीं बनने वाले हैं। अमित शाह की तरफ से जिस तरह से कहा गया था कि ठीक है अभी तक सरकार बन रही है लेकिन अभी हमने चेहरा डिसाइड नहीं किया है, जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद डिसाइड किया जाएगा, तो उस सवाल को लेकर भी यहाँ पर आपने देखा संजय राउत ने घेरने की कोशिश की है कि भाजपा का अपना काम निकल चुका है, अब जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अच्छा, संजय राउत ने सीधे तरीके से जो है वो आरोप लगाया है कि अब शिवसेना अब बीजेपी का काम जो है वो निकल चुका है, अब उन्हें ना शिंदे शिवसेना की जरूरत है और ना ही अजीत पवार की एनसीपी की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ग्राउंड पर जो है वो माहौल पर असर डाल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 144-145 सीटें लेकर के जो है वो बीजेपी खड़ी है और कितने कैंडिडेट उनके फ्यूचर के आते हैं, इस पर ये तय होगा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार फिर से जो है वो आ रही है या फिर उन्हें विपक्ष के जो या फिर जो निर्दलीय लोग खड़े हैं उनकी जरूरत पड़ सकती है, ये तय करना होगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये रोज की घमासान चल रही है आरोप प्रत्यारोप की, तो कहीं ना कहीं ये रुकने का नाम नहीं है। हाल फिलहाल में लगातार आदित्य ठाकरे के इंटरव्यू हो या संजय राउत के इंटरव्यू हो, एक सॉफ्ट कॉर्नर सा भी नजर आ रहा है, मतलब कि रिजल्ट के बाद संभावनाएं अपार है, कुछ भी हो सकता है। जहां पर आदित्य ठाकरे, संजय राउत या उद्धव ठाकरे बोलते नजर आए कि हमने बीजेपी को नहीं छोड़ा, बीजेपी ने हमको छोड़ा था, तो सॉफ्ट कॉर्नर तो अभी भी बरकरार है। यानी कि कुल मिलाकर शिवसेना भले ही महाविकास अघाड़ी में है लेकिन डिस्कम्फर्ट है वहां पर। ठीक है, हकीम जल्दी से, कौन कहां पर जाएगा ये तय करना आज नहीं तय कर सकते, लेकिन चुनाव के बाद उसी बात पर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे का अपमान करने वाले लोगों के हाथ में कंट्रोल दिया गया है, तो मुंबई की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को सोच विचार करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हकीम जुड़ने के लिए। सीधा आपको जमुई लिए चलेंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और किस तरह से वो अपना संबोधन देंगे, क्या कुछ वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, वो आपको वहाँ लिए चलते। बिहार के जमुई में इस वक्त बिरसा मुंडा जयंती चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच उनके वाद यंत्रों को बजाते हुए, यह तस्वीरें बेहद खास जहां पर आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ उनके पारंपरिक नृत्य का आनंद लेते हुए वेशभूषा में आप देखिए अपने आप में बेहद खास है। बिरसा मुंडा को आदिवासी समुदाय में भगवान का दर्जा दिया जाता है। 1900 में जेल में उनका निधन हो गया था। सामंती व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक कर रख दिया था। जहां एक तरफ जनता ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए, उनकी ताल से ताल मिलाते हुए जयंती आज गौरव दिवस के रूप में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में मनाया जा रहा है। आदिवासी समुदाय के बीच बिरसा मुंडा भगवान के रूप में माने जाते हैं, इसलिए हर कोई उन्हें भगवान बिरसा मुंडा की संज्ञा देता है। सामंती व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, आदिवासियों के संरक्षण, जंगल जमीन के खिलाफ उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें भी वो मोर्चा लेते हुए नजर आए, और उनकी एक ही हाल थी कि जो आदिवासी समुदाय की
जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी परंपराएं हैं, उनका सृजन बरकरार रहे। लिहाजा समय कितना गुजर जाए, जो आदिवासी समुदाय की व्यवस्थाएं हैं, रीति रिवाज है, वो हमेशा जीवित रहे। चलिए तस्वीरें आपके सामने जो कि काफी खास हैं, जमुई बिहार से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम ये हो रहा है, जहां पर अपनी शमूलियत प्रधानमंत्री ने दी है। फिलहाल नृत्य करते हुए भी आप देखिए, पुरुष और महिलाएं जहां नृत्य कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में जमुई से ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही खास है कुणाल, क्योंकि तीन दिन में दो दौरे काफी अहम माने जाते हैं। प्रधानमंत्री बिहार में आदिवासी समुदाय के बीच है, लेकिन इसका असर झारखंड में नजर आने वाला है, क्योंकि वहां पर भी अच्छी खासी तादाद आदिवासी समुदाय की है और आदिवासी समुदाय के संरक्षण, उनके विकास, उनके भविष्य की लड़ाई चुनावों में लड़ी जा रही है। यानी कि एक तीर से दो निशाने होते हुए नजर आ रहे हैं। 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है, 38 विधानसभा सीटों पर झारखंड के अंदर चुनाव है, लेकिन दावा आप देखिए किस तरह से यहाँ जमुई के अंदर खेलने की कोशिश की गई है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि कार्यक्रम में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जमुई सांसद अरुण भारती समेत कई और नेता भी यहाँ पर शामिल हैं और लगातार 8500 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उनका उद्घाटन भी होगा, शिलान्यास भी होगा और सिर्फ जमुई के अंदर 6640 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। तो चलिए कार्यक्रम इसी तरह से जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको जमुई के लिए चलेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, नृत्य भी किया गया, मनोबल बढ़ाने की कोशिश हुई और लेकिन फिलहाल बिरसा मुंडा को किस तरह से नमन करते हुए, क्योंकि आज उनका 150वां यहां पर जयंती जो है उनकी मनाई जा रही है और इसी मौके पर पहुंचे हुए हैं और आप देखिए किस तरह से वो ढोल को बजाते हुए भी कुणाल नजर आ रहे हैं, काफी तरीके से खुश आज प्रधानमंत्री भी नजर आए। लेकिन सवाल कई तरह से उठ रहे हैं, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, झारखंड के अंदर चुनाव है और इस बीच में बिहार के अंदर दौरा आज तीसरी बार बलोपुर के अंदर भी है, तो अपने आप में ये सारी रैलियां, सारे कार्यक्रम अहम चीजें रखती हैं कि आखिर वाद्य यंत्रों का आनंद ले रहे, जरा सुनते हैं। जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, बिरसा मुंडा भगवान को पुष्पांजलि अर्पित की, साथ में उनके नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, एनडीए आज नजर आएगा, हजारों करोड़ों की सौगात बिहार की जनता को दी जा रही है। क्या होता है और जो अन्य पेंटिंग्स हैं उनको भी प्रधानमंत्री निहारते हैं। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से जमुई के अंदर पहुंचे हैं और पुष्पांजलि भी अर्पित की गई, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपके सामने जो कि उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और जनसभाओं में आम जनता को लुभाने की भी बातें हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से भी प्रचार शुरू कर दिया गया है, उपचुनाव को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी कर दिए गए हैं और बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का काम कर रही है, लेकिन अगर बचे तो फिर बच सकते हैं, इसलिए बचना बिल्कुल नहीं है और सीधे आम जनता के लिए वहां पर काम कर रही है, क्योंकि लगातार आपने देखा कि किस तरह से दो नंबर की पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी सामने आई थी, लेकिन फिलहाल एक बड़ी बढ़त समाजवादी पार्टी ने जरूर लोकसभा चुनावों में बनाई है, वही बढ़त क्या उपचुनावों में कायम रह पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन फिलहाल अम्बेडकर नगर के अंदर भी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये दौरा होने वाला है, सपा अध्यक्ष की
तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 20 तारीख को मतदान है। अम्बेडकर नगर, मिर्जापुर, खैर, करहल, गाजियाबाद, ये तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं जो प्रतिष्ठा का सवाल बनी है। आज योगी वर्सेज अखिलेश नजर आने वाला है, जहां अम्बेडकर नगर और मिर्जापुर में योगी आदित्यनाथ फुकार भरते नजर आएंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी का जो कर कहा जाता है वहां पर करहल में, जहां से अखिलेश इससे पहले विधायक थे लेकिन सांसद जीतने के बाद वो सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे तो वो सीट खाली हुई, उस सीट पर अब उनके ससुर भाई तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज अखिलेश यादव ने करहल में मोर्चा संभाला है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर और अम्बेडकर नगर में भुकार भरते नजर आएंगे। आज का दिन भी बेहद खास है, प्रतीक्षा का सवाल बना हुआ है। 9 सीटें 2027 के विधानसभा चुनाव के ट्रेलर के तौर पर देखी जा रही हैं, क्योंकि पिछला इतिहास भी कहता है कि 9 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के पास रही, 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 1 पर निषाद पार्टी और 1 पर आरएलडी, 4 सीटें समाजवादी पार्टी के गढ़ में रही। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रही है कि भैया जुड़ेंगे, जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ना बटेंगे ना कटेंगे, एक है तो शेष है। ये तमाम पोस्टर्स के माध्यम से, स्लोगन्स के माध्यम से इस उपचुनाव को देखा जा रहा है। इतना आसान भी नहीं रहा है उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाल लेना, क्योंकि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के बहुत मंसूबे हाई हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभरी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था, 63-17 के फॉर्मूले पर अच्छे खासे नंबर भी आए। रजा अब्बास हमारे साथ जुड़े हैं। रजा, आज का दिन बेहद खास है, मिर्जापुर अम्बेडकर नगर में योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है, तो करहल में अखिलेश यादव। देखिए, बहुत बड़ी ये जो है उपचुनाव होने जा रहा है, क्योंकि दो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो नेशनल लेवल पे भी स्थापित हैं, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, इन लोगों का उपचुनाव में अपना प्रदर्शन स्थापित करना, क्योंकि 2024 की लोकसभा में समाजवादी पार्टी जो है वो 33 सीटें लाकर सबसे लार्जेस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश से लोकसभा में लेकर चलेगी। आप देखने वाली बात करहल जनपद भी है, अखिलेश यादव और करहल विधानसभा के वो विधायक भी रहे हैं, उन्होंने विड्रॉ किया, तो उनके भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव प्रत्याशी हैं। और अपोजिशन में बीजेपी की तरफ से अनुजेश यादव, जो रिश्ते में बहनोई लगते हैं अखिलेश यादव के, वो प्रत्याशी बीजेपी की तरफ हैं। तो करहल सीट तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, कई वर्षों से समाजवादी पार्टी जीतती चली आ रही है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अम्बेडकर नगर और दीगढ़ विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, वहां भी इम्पैक्ट ये है कि कुर्मी समाज की वोट बैंक बहुत ज्यादा है, निषाद समाज के लिए वोट है। धर्मनाथ जी के पूर्व में 3 बार विधायक रहे हैं, वो प्रत्याशी हैं, और उसके बाद लालजी वर्मा की वाइफ जो है पत्नी, वो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। लालजी वर्मा वर्तमान में सांसद है अम्बेडकर नगर से। तो बहुत बड़े चेहरों का चुनाव है, उस चुनाव जो है वो सेमीफाइनल है 2027 का, जो विधानसभा उत्तर प्रदेश होने जा रहा है, और इतना क्लैमरस चुनाव हो चुका है, पोस्टर वाद चल रहा है, तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है ये पूरा इलाका, सपा हमेशा से यहाँ पर MY का फॉर्मूला, यानी कि मुस्लिम और यादव का फॉर्मूला अपनाती नजर आई, उसका तोड़ के तौर पर NDA ने वहां पर MY का फॉर्मूला दिया, डेफिनेशन बदल गई, महिला प्लस युवा। क्या इन्हीं फॉर्मूले के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जा रहा है? फोर्सेस के हिसाब से देखा जाए तो भैया दोनों बराबर नजर आ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? जनता के मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। पोस्टर वार के माध्यम से दोनों पॉलिटिकल पार्टी रोज सुबह सुबह कोई ना कोई पोस्टर लगा के एक दूसरे के प्रति आरोप, और जो है विपक्ष कहीं सत्ता पे आरोप, सत्ता कहीं विपक्ष पे आरोप, इस तरह का खटचोट चल रहा है। और जहां तक PDF फार्मूला हो या दीगर जो MY विधानसभा सीट के अंदर, क्या 35% OBC और 30% जनरल वोटर निर्णायक साबित होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कटहरी विधानसभा अम्बेडकर नगर की वो विधानसभा है जहां पर OBC जो है मतदाता ज्यादा है, कुर्मी समाज यानी कि समाज से लालजी वर्मा आते हैं वो समाज अत्यधिक वहां पॉपुलेशन में है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, इससे पहले पूर्व में लगातार 2 बार विधायक भी रहे कटहरी से लालजी वर्मा, तो लालजी वर्मा की ये बहुत ही जो है चीज पुरानी है। अब देखने वाली बात है कि लालजी वर्मा कितना इम्पैक्ट चलता है, मगर सत्ता का बोलबाला इस वजह से ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मास लीडर बन चुके हैं,
कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अपने अपने चेहरे पे उस चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा लगाए हुए हैं और वो दिल्ली नेतृत्व को ये जवाब देना चाहते हैं कि देखिए लोकसभा में कुछ कमियां रह गई हैं, उसका होमवर्क कर लिया है, उपचुनाव में हम अत्यधिक जिताकर अपने आप को स्थापित करेंगे। कि हवा किस तरफ, ये बहुत पहले आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, शायद अभी समय नहीं है लेकिन इस पर बात कर सकते हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि हवा किस तरफ है, समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांटे की टक्कर तो इन दोनों पार्टियों में है। एएसपी और बीएसपी मैदान में जरूर है लेकिन वोट काटो अभियान के तौर पर। देखिए बहुत वाजिब और बहुत मुनासिब सवाल आपने पूछा, ये पहली बार मेरे पत्रकारिता जीवन में ऐसा चुनाव मैं देख रहा हूँ। हम लोग की टीम गढ़ल भी गई थी और अभी और विधानसभा हम लोग की देखेंगे उसकी टीम जाएगी। हम लोग को ये नजर आ रहा है कि पलड़ा जो है किसी एक तरफ झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बराबर पब्लिक फोरम में समाजवादी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, ये पैरेलल चुनाव है। कहीं से कोई हल्की सी गलती किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पिछाड़ देगी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी विजय स्थापित कर लेगी। चलिए शुक्रिया आपका रजा हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव में अपने आप में बेहद खास और रोमांचक मोड़ से गुजरता नजर आ रहा है, क्योंकि 9 सीटें हर तरह से एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। अगली महत्वपूर्ण खबर सीधे अगर बात की जाए चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई नजर आ रही है, और इसी कड़ी में जहां यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव 20 तारीख को होगा तो वहीं झारखंड में भी बची हुई 38 सीटों पर चुनाव 20 तारीख को होता नजर आएगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र की 288 बिहार ही लिए चलेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि जमुई के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं क्या कुछ वहां पर चल रहा है वो दिखा देते हैं। देखिए उनकी प्रतिमा भेज कर उनका अभिनंदन, तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए करतल ध्वनि के साथ। और इसके साथ ही मैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री ज्वेल ओराम जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पश्मीना की एक शॉल भेज कर उनका स्वागत करें, और साथ ही तालियों की आवाज गूंज दूर तक जानी चाहिए। आइए मिलकर अभिनंदन करें प्रधानमंत्री महोदय का। भगवान बिरसा मुंडा की एक काष्ठ प्रतिमा भी प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन प्रधानमंत्री महोदय का। निवेदन जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक पारंपरिक शॉल और भगवान महावीर की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। विकसित भारत के शिल्पकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन वंदन नमन आपके करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ आप सभी की रेडियो से चलो। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री ज्वेल ओराम जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारे। माननीय मंत्री महोदय इस वक्त बिहार के जमुई से ये भव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जहां पर आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, 150वीं जयंती है, जिसको लेकर बेहद खास कार्यक्रम है। लेकिन आशा बड़ी अपडेट से रूबरू ये भी करा दे तमाम दर्शकों को, कार्यक्रम जमुई बिहार में हो रहा है, गूंज दिल्ली तक नजर आ रही है। दिल्ली के सराय ताले खान चौक का नाम अब बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि दिल्ली का सराय काले खां चौक अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। ठीक है कुणाल, जिस तरह से जमुई के अंदर प्रधानमंत्री पहुंचे, काफी अहम ये प्रोग्राम, और अब बिहार की जनता को एक एक करके सौगातें मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि जमुई के अंदर जब पहुंचेंगे तो 6,640 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी, और अब यहाँ पर 6,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, शुभारंभ, लोकार्पण किया जाए। तो फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही, मुझे और कुणाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।